दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास 5G मोबाइल है इसके बावजूद भी 5G कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या 5G कनेक्ट होने के बावजूद भी आपका नेट काफ़ी स्लो चल रहा है तो कैसे आप इसे ठीक कर सकते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। चूंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास 5G मोबाइल होता है लेकिन इसमें प्रॉपर सेटिंग ना होने की वजह से 5G काम नहीं करता या काफ़ी स्लो काम करता है। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप 5G मोबाइल पर सेटिंग कर सकते हैं और अपने नेट को स्पीड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग में आ जानी है और यहाँ पर कनेक्शन पे आनी है। आपके यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा मोबाइल नेटवर्क, सिंपली हमें उस पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क मोड मिलेगा उस पर हमें क्लिक कर देनी है और यहाँ पर सेलेक्ट करनी है 5G LTE को। इसे सेलेक्ट करते हैं आपके यहाँ पर 5G शो कर जाएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम, सिंपली उस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देनी है। अब नीचे स्क्रॉल करनी है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा APN प्रोटोकॉल, सिंपली उस पर हमें क्लिक कर देनी है। यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे IPv4, IPv6, IPv4 और IPv6। इन दोनों में से हमें किसी पर भी सिलेक्ट नहीं करनी है, सिंपली हमें तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर नेम पर हमें Jio 5G कर देनी है और ओके पर क्लिक कर देनी है और इस 3 डॉट पर क्लिक करके और सेव पर हमें क्लिक कर देनी है। यहाँ सेव कर देंगे, उसके बाद यहाँ Jio 5G पर हमें क्लिक कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे आपका 5G यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और पहले की तुलना में आपका इंटरनेट काफ़ी फास्ट भी चलना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 5G मोबाइल पर नेटवर्क सेटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे अमेजिंग टिप्स और ट्रिक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।